दोस्तों फ्लोरिडा के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए रिंकू सिंह का तूफान। दोस्तों रिंकू सिंह ने तोड़ दिया युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड और ठोक दी सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। एक ओवर की 6 गेंदों में कूद डाले इतने रन। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार ये चमत्कार रिंकू ने कैसे किया। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस समय टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी है टीम इंडिया। पहला T20 मुकाबला भारतीय टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया था और अब दूसरा T20 मुकाबला खेला गया फ्लोरिडा के मैदान पे, जिसमें भारतीय टीम मात्र 123 रन बना करके अपने 7 विकेट गवा देती है। उसके बाद 8 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रिंकू सिंह। दोस्तों रिंकू सिंह ने आते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मिचेल स्टार्क की एक ओवर में 6 छक्के लगाए। एम्पायर ने 6वीं गेंद को नो बॉल करार दे दिया और दोबारा से गेंद डाली गई, फिर दोस्तों उस पे भी छक्का लगा दिया और इस तरीके से एक ही ओवर में 42 रन कूद डाले रिंकू सिंह ने और मात्र 8 गेंदों में सबसे तेज हाफ सेंचुरी ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो कि पहले युवराज सिंह के नाम था। 12 गेंदों में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2007 के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 50 रन लगाए थे।